हरे कृष्णा फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा पॉइंट लेकर के, जो बहुत ही छोटा है, दिखने में तो बहुत ही छोटा है मगर बहुत ही काम का है और आपके बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे या थोड़ी भी पसंद आए या आपको लगे कि किसी की हेल्प कर सकती है, तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये टिप। तो ये टिप है कि बहुत सारे लोग मुझे अभी भी मैसेज करते हैं कि मैम, नेगेटिव थॉट्स तो दिमाग से जा ही नहीं रहे, या पॉजिटिव मैं कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें वेस्ट हैं। अभी पीछे मेरे को एक मैसेज आया था कि किसी पर्सन ने कहा कि ये सारी चीज़ें तो मैं बहुत टाइम ट्राई कर चुका हूँ बट कुछ नहीं होता है, ये सब तो वेस्ट है और जो इस पे वीडियो बनाते हैं वो भी वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मंत्रास की शक्ति को आप बिल्कुल वेस्ट ना समझें। आप इसने जो भी कर रहे हैं या आपने किया है, वो ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं लैक किया है, उस प्रोसेस में आपने कहीं ना कहीं चूक की है जिसकी वजह से आपको वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। अगर आप मंत्रास को, अगर आप साइंटिफिक तरीके से भी आप देखा जाए तो मंत्रास जो है ना, वो आपकी लाइफ पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो अब उस मंत्रास का इम्पैक्ट कैसे आएगा आपको, हमेशा सबने का है, मतलब जो भी आप किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लो, आप किसी मंत्रास की बात कर लो, आप क्लीम मंत्र की बात कर लो, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं कि सबसे इसमें मेन एसेंस ये है कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। बट लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचा कैसे जाए, कैसे सोचे, मैं इतना दिन से इतनी सारी चीज़ें सोच रहा हूँ कि मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, बट मेरे साथ अच्छा नहीं आता है। दिस इज ऑल फेक, होता है कि प्रीवियस लाइफ में आपने जो भी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजरे हो, उसका जो ब्लूप्रिंट आपने अपने दिमाग में, अपने माइंड में सोचने से पहले आपको करना क्या होता है, उसको अपने दिमाग से निकाल कर जब तक आप वो नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से नहीं निकालोगे, उस ब्लूप्रिंट को अपने दिमाग से बाहर नहीं करोगे, जब भी आप कोई नई चीज़ शुरुआत करोगे, एक नया रिलेशन शुरू करोगे, एक नए बिजनेस शुरू करोगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नया करने जाओगे ना, तो बैक ऑफ द माइंड वो क्या करता है, उस ब्लूप्रिंट को फिर से दोबारा से रिकॉल करता है एंड उसको रिपीट करना शुरू करता है कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए मेरे साथ, ठीक है। और यहाँ पर ही हम गलती कर जाते हैं, जब वो चीज़ रिकॉल हो जाती है ना, तो क्या होता है कि हम फिर से यस उसी नेगेटिव थॉट से अपने नए काम को शुरू करते हैं। और जब हम किसी नए काम को किसी नेगेटिव थॉट या गलत चीज़ों के साथ शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि उसका रिज़ल्ट हमें कभी भी सही नहीं मिल सकता, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमें इसमें, कि हमें जो हमारे बुरे समय में बीता हुआ कल, जो हमारा गलत जो थॉट्स है ना, जिसको हमने ब्लूप्रिंट बना रखा है अपने दिमाग में रो रो करके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, नहीं होना चाहिए था, इस तरीके की जितनी भी थॉट्स है ना, पहले तो उसको निकाल के फेंको, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं फेंकोगे ना, तब तक आप पॉजिटिव 100% तरीके से कर ही नहीं सकते। तो जब आप ये चीज़ निकाल के फेंक दोगे और आप पूरी 100% तरीके से पॉजिटिव हो जाओगे ना, तो ऑब्वियसली आप उसके साथ कोई काम शुरू करोगे, उसके साथ कोई रिलेशन शुरू करोगे, उसके साथ कुछ भी करना शुरू करोगे ना, तो आपका 100% वर्क करेगा। और मंत्रास की ताकत तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो मंत्रास बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट देते हैं आपके पॉजिटिव थॉट्स को, एक बूस्ट अप देते हैं और बहुत ही ना स्ट्रांग तरीके से वो आपके ऊपर वर्क करते हैं। तो ये था आज के लिए एक छोटा सा टिप्स कि आप पॉजिटिव सोचने से पहले आप नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंकिए अपने दिमाग से, और वो कितना इजी है करना, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ जाएगी और आपकी लाइफ इतनी सुंदर हो जाएगी ना कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ दैट। तो मिलेंगे हम अगली बार फिर से एक छोटे से टिप्स के साथ या एक बड़ी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और पॉजिटिव सोच के साथ रहें। मिलेंगे जल्दी ही। हरे कृष्णा।